एक बहुत मजेदार बात मुझे याद आ रही है और उस मजेदार बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बार की बात है, एक भिखारी भीख मांगते मांगते थक गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वो शाम को अपने घर वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में एक 100 का नोट पड़ा हुआ दिखाई मिला और उसने सोचा, क्यों ना इस 100 के नोट से मैं आज 5-स्टार होटल का खाना खा के ही घर जाऊं। और उसने सोचा कि इस 100 रुपए में शायद 5-स्टार होटल में खाना ना मिले, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और सीधे वो जा पहुंचा 5-स्टार होटल के अंदर और वहां के वेटर से उसने कहा कि मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, मैं खाना खा के ही यहाँ से जाऊँगा। तब वहाँ उस वेटर ने कहा, बताओ तुम्हें क्या खाना है। तो उस भिखारी ने कहा, जो कुछ भी अच्छा अच्छा महंगा महंगा आइटम हो सब तुम लेके आओ और तुम मुझे बढ़िया खाना खिलाओ। और तब वेटर ने एक महंगी थाली जिसमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान थे उसे लेकर आया और भिखारी खाना शुरू किया। खाते खाते उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि यार मैं पहली दफ़ा 5-स्टार होटल का खाना खा रहा हूँ। और उसके जेब में उसे पता था कि 100 रुपए ही हैं। और जब उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब उसका बिल आया तो बिल देखकर वो हैरान हो गया। उसने देखा कि 1500 रुपए का बिल। मैनेजर ने कहा, पैसे निकालो। भिखारी ने कहा, पैसे तो हैं ही नहीं। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसे 2-4 गालियां भी दी कि कमीने, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू यहाँ खाना खाने क्यों आया। और उस मैनेजर ने उस भिखारी को पुलिस के हवाले कर दिया और भिखारी पुलिस के साथ थोड़ी ही दूर गया था और उस भिखारी के जेब में जो पड़ा हुआ 100 का नोट उसे मिला था उसको चुपके से पुलिस वाले को दिया और छूट गया। तो यारो, इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। हाँ, देखिए किस प्रकार उसके पास 100 रुपए में उसका खेल तमाम हो गया और वो 1500 रुपए का खाना खा के भी आ गया।